कोतवाली क्षेत्र के गांव सराय में बारात चढ़ने के दौरान गांव में लटक रहे जर्जर विद्युत तारों की चपेट में आने से रंगशाला में विद्युत करंट उतर आया, जिससे गांव के ही एक 10 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि इस दुर्घटना में 11 लोग घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने आनन फानन में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उनकी हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इस दौरान दुर्घटना स्थल पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गांव में जर्जर तारों का न बदले जाने के कारण ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। अरे क्या घटना हुई थी? रंगशाला आई थी गांव में। कहां पे? गांव में रंगशाला चल। कौन सा गांव था? सराय। कहां पड़ता है? सराय। अच्छा क्या घटना हुई थी? रंगशाला आई थी, बच्चे वहाँ पे सारे रंगशाला देख रहे थे। उसकी रंगशाला की तुरैया जो है 11,000 लाइन से छू गई। कम से कम 10-15 लोग हैं, सबको पकड़ लिया लाइट ने। वो इसे पकड़ा जी, खत्म ही हो गया जी पांच सिकंदर राव। गांव सराय निवासी कृपाल सिंह की बेटी की शादी शुक्रवार को थी। एटा जिले के जलेसर थाना अंतर्गत गाँव नगला अन्नी से बारात आई थी। रात को 12 बजे करीब गाँव में बारात चढ़ रही थी, उसी दौरान गांव के बीच से होकर गुजर रही हाई टेंशन विद्युत लाइन से बारात में शामिल रंगशाला में करंट उतर आया, जिस कारण बारात में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई, पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दुर्घटना में घायल अरुण निवासी गांव सराय एवं सिंधु भीकम भूपेंद्र विस्सा निवासी गण गाँव नगला अन्नी थाना जलेसर जिला एटा और लालू हेमंत कमल अंकित कालू बंटी आदि निवासी गण गांव सराय बुरी तरह झुलस गए। पुलिस ने इन सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने अरुण को मृत घोषित कर दिया। रात लगभग 1 बजे हादसा उसकी जानकारी मिली थी, तो एम्बुलेंस से भी उसके सबको बुलाया गया। तो उसमें 12 लोग लगभग घायल थे, 12 लोग, उसमें 6 बच्चे थे। उसमें एक बच्चा डेथ हो चुकी थी, अरुण 10 साल का बच्चा था, उसकी डेथ हो गई थी। बाद बाकी सबको प्राथमिक उपचार दिया गया था और उनको जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया था। अभी जानकारी मुझे सूचना मिली है कि वहाँ जिला अस्पताल उनको ट्रीटमेंट देकर घर भेज दिया गया है। तो मैं अपनी टीम भेज रहा हूँ, उनको जो भी आवश्यकता और होगी, दवाइयों की या जो भी मेडिसिन होगा, उनको प्रोवाइड करा देंगे। वहीं अन्य सभी घायलों को उपचार हेतु जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। फिलहाल इस मामले में अभी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, Time 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।